नमस्कार किसान भाइयों, मैं रामेश्वर लाल एक बार फिर आपके सामने, जो आपकी आपकी मांग के अनुसार ये वीडियो खास तौर से मैंने आपके अनुसार बनाया है। इसमें मैंने मेरा नहीं, आपके जो आपने मेरे को कमेंट किया, जो आपने कुछ मेरे को कॉल भी आए हैं, तो मैं सबसे पहले इस वीडियो को एक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन है, क्या है कि कोई भी जो यूट्यूब पे यूट्यूबर हैं वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर कभी भी नहीं देता। मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, मैं किसानों को हित का ध्यान में रखते हुए देता हूँ कि हो सकता है मेरे से कोई प्रभावित होकर मेरा नॉलेज है, हो सकता है किसी किसान के काम आए, इसीलिए मैं एक अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिसको जरूरत हो हकीकत में वही मेरे को कॉल कीजिएगा, और जो कॉलिंग का टाइम है प्लीज मैं ऑफिशियल टाइम है 10 से 5 बजे के बीच में कीजिएगा, क्यों मेरी भी पर्सनल लाइफ है दोस्तों, किसान भाइयों मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं भी पर्सनल जिंदगी जीता हूं, और मैं भी जो रूटीन के काम है मेरे को भी करना पड़ता है, मेरे को भी सामाजिक कार्य करना पड़ता है। चलो इस छोटे से एक निवेदन के बाद मैं अपना जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर आता हूं, और इस टॉपिक को बनाने के लिए मेरे पिछले 10-15 दिन से थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, समय नहीं दे पा रहा था। मेरे को काफ़ी कॉल आए कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं, आप अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं, अच्छे अच्छे कस्टमरों का सक्सेस स्टोरी बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने सक्सेस कैसा किया, उन्होंने उसमें क्या किया जो आज उनको इतना अच्छे सक्सेस मिल रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो आज मेन टॉपिक पर बात करना हूँ आपको, लगाने से वो देखो ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, उसमें अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन डालना पड़ता है, और क्या क्या खाद डालनी पड़ती है, क्या क्या दवाई डालनी पड़ती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप इसको लास्ट तक देखिएगा, इसमें आप कुछ ना कुछ आज 5-7 मिनट मेरे को देंगे, कुछ ना कुछ आपसे बहुत कुछ सीख के ले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पौधे को लगाने के लिए, फर्स्ट का 1 से 2 महीना, अपना जो मेरा मेन चैनल है वो मैं सागवान टिश्यू कल्चर के ऊपर रहता है, तो मैं मेरा जो चीज का है आपको फर्स्ट में जो है लगाने के लिए जो फर्स्ट मंथ होता है इस पौधे के लिए वो बहुत मायने रखता है, क्यों टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर टेक्निक से तैयार पौधा बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको फर्स्ट का स्टार्टिंग मंथ के अंदर आपको एक तो डेली आप ध्यान रखिएगा, डेली केयर के लिए डेली इसको पानी दीजिएगा, पहले बात तो कम दीजिएगा क्वांटिटी के अंदर, फर्स्ट मंथ कम दीजिएगा लेकिन इसको पानी दीजिएगा, क्यों सॉफ्ट पौधा रहेगा, एक बार सेट होने के बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट इसमें दूसरा आपको करना है, लगाने से पहले पौधे के अंदर जो आपके चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से, किसी भी गांव से, कहीं से भी आप यदि बिलोंग करते हैं, चाहे आपके जमीन के अंदर किसी तरह का टर्माइट हो नहीं हो, जिसको अपने दीमक बोलते हैं, दीमक हो या नहीं हो, फिर भी आपको कंपलसरी लगाते समय इस टिश्यू कल्चर को पौधे को लगाते समय आप कंपलसरी उसके अंदर 40 ग्राम, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में, आपके डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल रहेगा, उस डिटेल से आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, पहले आप वॉच कीजिए कैसे कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें डालते हैं आपको 40 to 50 ग्राम आपको कंपलसरी इसके अंदर, आप फोरेट ले सकते हैं, रिजेंट ले सकते हैं, रिजेंट में लिक्विड ले सकते हैं, ग्रेनुलर ले सकते हैं, और इसके अलावा आप क्लोरोफायरीफॉस ले सकते हैं, मोनोक्रोटोफास ले सकते हैं, कोई भी कीटनाशक जो आपको दीमक के लिए या कोई कीड़े से बचाने के लिए पौधे को स्टार्टिंग में गड्ढे के नीचे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको किसी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर पौधे को लगाते समय यूज नहीं करना, खासतौर से मैं टिश्यू कल्चर सागवान की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे फ्रूट के पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसान वो ये ध्यान रखिएगा। तो लगाते समय इसको सिर्फ आपको 40 से 50 ग्राम आपको इसके अंदर ये डालना है, रिजेंट डाल दीजिए, फोरेट डाल दीजिए या दूसरा कोई भी कीटनाशक डाल दीजिए। नेक्स्ट आपको डालना है ऑर्गेनिक, आपके पास यदि पुराना देसी खाद सड़ा हुआ है तो वो आपके अंदर 1 से 2 किलो इसके साथ में आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप गर्मी के सीजन में लगा रहे हैं, मई जून के अंदर लगा रहे हैं, तो वो भी मत डालिएगा। तो आप यदि फरवरी मार्च में या आप जुलाई अगस्त में लगा रहे हैं तो कंपलसरी ऑर्गेनिक 1 से 2 किलो ऑर्गेनिक डालिए, पुराना खाद डालिए या वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आती है लगाने के बाद में आपको, आप पौधा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उसको सक्सेस करना, उसको ग्रोइंग वे में ले जाना, अच्छे अच्छी तरीके से उसको मेंटेन करना, उसमें फर्टिलाइजर है, खाद है, वो जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, जिस तरह अपन आप और हम ही हैं, आप और हम यदि सिर्फ रोटी रोटी खाने के काम नहीं चला सकते, अपन को दाल भी चाहिए, अपन को सब्जी भी चाहिए, अपन को दूध भी चाहिए, अब जो मांसाहारी उनको अंडा भी चाहिए, यानी जिस तरह का अपन को जैसा जैसा है उसके अनुसार भी पौधे को भी बढ़वार के प्रॉपर बढ़ाव के लिए उसको बहुत सारे न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है। उस न्यूट्रेंट के अंदर अपन हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर जमीन में, मैं जो एवरेजली बता रहा हूँ, बेसिकली बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको क्या क्या डालना है,
आपको जब पौधा लगाए फर्स्ट ईयर उसको तीन पार्ट के अंदर फर्टिलाइजर देना, उसके तीन पार्ट बना लीजिएगा। पहला पार्ट आप लगाने के दो से तीन महीने बाद में अप्लाई कीजिएगा, उसमें आप एक से डेढ़ किलो ऑर्गेनिक ले लीजिएगा, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, अपना पुराना देसी खाद जो सड़ा हुआ देसी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कभी भी देसी खाद को डायरेक्ट मत डालिए, डायरेक्ट डालोगे तो बहुत सारे रोगों को बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा पौधे में। आप उसको सड़ा के डालिए, बिल्कुल उसको पुराने खाद को डालिए एक से दो किलो। इसके अलावा आपको 50 ग्राम इसमें लेना डीएपी, 50 ग्राम पोटास, ये तीनों चीजें मिक्स करके, और इसके अलावा आपको उसमें कोई भी अपने दीमक के लिए कोई भी अपने कोई क्यों जब आप ऑर्गेनिक खाद डालेंगे इनके लिए दीमक जरूर अपने अपने पौधे की तरफ आएगी, तो इसके लिए आपको कंपलसरी रिजेंट दे दीजिए। ग्रेन्यूर में ला सकते हैं, यदि आपको कुछ ज्यादा एक्सपेंस करना चाहते हैं अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो लिक्विड में ला सकते हैं, बाहर कंपनी का रिजेंट ला सकते हैं, और इसके अलावा आपको क्लोरोफॉरिस वो दे सकते हैं, फोरेट दे सकते हैं, ये सारी चीज आप उसमें मिक्स करके पौधे से 3 से 4 इंच दूर एक खाई बना के उसको प्रॉपर दीजिएगा। आप ऐसे डायरेक्ट ऊपर डाल देंगे वो उसके अंदर गुल के अंदर जाएगा जब तक उसमें 30-40% डैमेज हो जाएगा सूर्य की रोशनी से, बाकी दूसरी वजह से। आप उसके अंदर 3 से 4 फीट गोलाई बना के एक उसके सॉरी 3 से 4 इंच दूर एक रिंग बना के उसके अंदर 3 से 4 इंच गड्ढा करके उसमें अप्लाई कीजिए ताकि वो पौधे को डायरेक्ट इंजेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको देना है बारिश के सीजन में, और थर्ड आपको देना है सर्दी के सीजन में। आप सर्दी के सीजन में 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट टू ईयर सेम, दूसरे साल भी ये क्वांटिटी आपको सेम रखना है। बारिश के अंदर एक बार अप्लाई कर दीजिए आप सेम चीज को, आप सर्दी के अंदर इसको 2 बार अप्लाई कर दीजिए, और तीसरे साल और चौथे साल की मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ। इसको आपको डीएफी 75 ग्राम कर दीजिए, आपको पोटास को 75 ग्राम 75 ग्राम कर दीजिए। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक आपका देसी खाद का है उसको 2 से 3 किलो आप दे सकते हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 से 3 साल बाद में जब आप खाद देते हैं तो उसको थोड़ा सा आधा एक फीट दूर दीजिए, 1 फीट दूर पौधे के चारों ओर खाई करके आधा 1 फीट की खाई करके उसको बढ़िया अप्लाई कीजिए। खाद देना बड़ी बात नहीं, उसको प्रॉपर रूप से देना और उसको बढ़िया अप्लाई करना, और खाद देने के बाद में कंपलसरी 5 से 7 दिन उसको अच्छा पानी दीजिए ताकि वो खाद उसको प्रॉपरली मिल सके और पौधा अच्छी ग्रोथ कर सके। और खाद के अलावा जब आप खाद देंगे कई तरह के खरपतवार भी बहुत सारे उसमें उगेंगे, बहुत सारे दिक्कतें पैदा करेंगे, तो उन खरपतवार के लिए प्रॉपर आप सफाई रखिएगा। इस पौधे के अंदर आप ध्यान रखिएगा जितनी बार आपको निराई गुड़ाई करेंगे और जितना पानी देंगे उतना पौधा अच्छी ग्रोइंग वे में जाएगा। और उसको लिए आप खरपतवार को आप महीने के अंदर एक रूटीन बना लीजिए कि महीने के अंदर एवरी मंथ इसको आपको खरपतवार का अंदर कचरा इसके अंदर साफ करना है और इसको प्रॉपर निराई गुड़ाई करके आपको पानी देना है। ये आप कंपलसरी रूटीन बना लीजिए, पौधा आपका बहुत अच्छा ग्रोइंग वे में जाएगा। आप इसको एक साल के अंदर 10-15 फीट क्या जो मैं जो बोला जा रहा है 15 फीट नहीं आप 20 फीट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अच्छी क्वालिटी का पौधा दे सकते हैं, हम अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का माल तैयार करना ये किसान भाइयों सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो ये चीजें आप अपनाइए, इन चीजों को आप कीजिए। इसके अलावा ये वीडियो में मैं आपको आगे इसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी मौसम के अनुसार दिक्कतें आती, हालांकि टिश्यू कल्चर है ज्यादातर दिक्कतें इस पौधे के अंदर आती नहीं है, बीमारियां ज्यादा लगती नहीं है, फिर भी आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ये मैंने वीडियो सिर्फ आप लोगों ने मेरे को कमेंट्स किया, आप लोगों ने मेरे को डिमांड रखी तभी ये वीडियो बनाया हूं। नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहते हैं मेरे से आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मेरे को बताइए कैसा आपको और दूसरा ये वीडियो कैसा लगा है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया। हो सकता आपके ये काम नहीं आए, हो सकता आपके जमीन नहीं हो सकता आप ये चीज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप शेयर कर रहे हैं, हो सकता है किसी राइट पर्सन के पास पहुंच जाए और इससे एक फायदा मिल जाए। और इसके अलावा पौधे के लिए प्लानिंग कैसा होना चाहिए एक वीडियो मैंने और बनाया है, आप मेरे ये आई बटन आ रहा है इसके अंदर आएगा मेरा वीडियो, आप वहां जाके इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पानी कैसा होना चाहिए, जमीन कैसा होना चाहिए और इसको लगाया कैसे जाता है, क्या प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, दो ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूं, बेसिक पार्ट 1, बेसिक पार्ट 2 और ये बेसिक पार्ट 3। नेक्स्ट फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू।